2019 में जो मैंडेट मिला बीजेपी के खिलाफ आया हेमंत जी सत्ता में आए मुख्यमंत्री बने, एक जो बड़ी वजह रही उस चुनाव में खास करके ग्राउंड पे जब हम लोग जाते थे कवर करने, तो ये जो आदिवासी विरोधी नीति या तो आपकी रही या नहीं रही, लेकिन परसेप्शन उस तरीके का बना। और उस दौरान आप भी जब JBM आपका अस्तित्व में था आप भी विरोध कर रहे थे बीजेपी के उन नीतियों का, खास करके आपको CNT SPT में जो संशोधन का जो जिक्र हुआ उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने जब आप JBM में थे और JBM को जब बतौर नेता प्रतिपक्ष हेमंत जी एक कर रहे थे। अब जबकि आप बीजेपी का हिस्सा हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और माना यही जाता रहा है, माना जाता है कि आप ही चेहरा हैं भले ही घोषणा नहीं हुई है, तो क्या आप ये अश्योर करेंगे कि अगर जनता आपको मौका देती है तो वो जो नीतियां 2014 से 19 तक जिसका विरोध आपने किया, अब जबकि बीजेपी का आप हिस्सा हैं उसको आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको किनारे करके चलेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि 2014-19 के बीच में चर्चाएं जरूर हुई जमीन को लेकर के, लेकिन वास्तव में अगर हम कहें CNT और SPT एक्ट में या ट्राइबल की जमीनों की जितनी लूट हुई है कांग्रेस के राज में, उतना तो आज तक कभी नहीं हुआ, और उसी का आज तक दांस लोग झेल रहे हैं। अब उस समय बड़े बड़े खदान खुले, बड़े बड़े डैम बने, बड़े बड़े कारखाना खुले, लोग विस्थापित हुए, न्याय नहीं मिला लोगों को, आज भी लोग भटकते रहते हैं, तो उसके लिए बीजेपी कहाँ से जिम्मेवार है? नरेंद्र मोदी उसके लिए कहाँ जिम्मेदार है? उस वक्त तो आप भी मानते थे। वही बात मैं क्या कह रहा कि भाई परसेप्शन को जिस ढंग से बिल्ड किया गया पॉलिटिक्स में, तो सर परसेप्शन का है। वही बात मैं कह रहा जी। और आज मैं कह सकता हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में भी देखेंगे तो आजकल अगर आप रांची ही देख लीजिए जी, रांची के आसपास देख लीजिए, जितना GM लैंड था, GM लैंड छोड़ दीजिए, उससे आगे भी जो ट्राइबल लैंड भी है जो सेलेबल नहीं है, जो सेल नहीं होता है जी, उसका भी कागजात में फर्जीवाड़ा करके उसको भी लोग बेच रहे हैं, और हेमंत सोरेन के राज्य में बिक रहा है। तो ये हर कोई देख रहा है, हर कोई जान रहा है, सिर्फ उस परसेप्शन को तोड़ने की जरूरत है। और अब लोग समझ रहे हैं, क्योंकि पहले पूरी तरह से हेमंत सोरेन को या JBM को सत्ता में रहने का मौका नहीं मिला था, अब तो पूरे 5 साल मिल गया, अब उनके पास कोई यानी ऐसे कारण नहीं है अब बताने को कि भाई आपने उसको क्यों नहीं ठीक किया। अब तो सारे लोग देख रहे, अब रांची के आसपास भी देखे, कई एक लोग मिलते हैं हमसे भी, हम भी कई जगहों पर हम गए हैं, चाहे काके हो चाहे आपका बजरा हो, सब जगह मैंने देखा है लोगों की, वहाँ के आदिवासियों के साथ क्या हालत हुई, उसकी जो GM लैंड है, गाँव के लोगों के नाम बंदोबस्त होनी चाहिए, लेकिन वो भी कोई बाहर से लोगों को ला करके उनके नाम से बंदोबस्त, बड़े बड़े दीवारें खड़ी कर दी गई। और पिछले दिनों जब ED जांच किया कि एक जगहों की, तो आपने देखा कलकत्ता तक में जाकर के लोगों ने कागजात में फर्जी बनाए जा रहे थे, बनाए जा रहे। सर, आपसे फॉलो अप, और हम लोग तो सवाल पूछते ही रहते हैं, एक हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि जो हमारे इस कॉन्क्लेव का जो हिस्सा हैं, चाहे वो सीधे जो जुड़े हुए हैं बैठे हुए हैं सामने वो, या फिर जो ऑनलाइन हैं, हम लोग प्रयास ये किए हैं कि कुछ सवाल आपसे लिए जाएँ, अगर आप इजाज़त दें तो कुछ सवाल लिया जाए, जो आपकी व्यस्तता भी है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन 2-4 सवाल। हमें ही वोट देना बेटी, इस बार नौकरी में 60% का महिला आरक्षण देंगे। पैसा? पिछले बार भी JMM वालों ने 50% का वादा किया था, हमको तो मिला नहीं, और आपको? हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन महिलाओं को तो नौकरी में 50% आरक्षण नहीं मिला, आपको मिला क्या?